हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 4 व 5 के विषय गणित का गृह कार्य। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां देखेंगे कार्यपत्रक 41 का सॉल्यूशन, जिसमें आप देखेंगे गुणा की अवधारणा, जो प्रारंभिक अवधारणा है उससे परिचय कराएंगे हम इसका। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणा तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ आपको कुछ संख्याएँ दे रखी है, पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको क्या करना है कि तालिका को पूरा करना है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ सबसे पहले आपको 3 बर्ड्स दे रखे हैं, 3 बर्ड्स, तो यहाँ लिख रखा है 9, ऐड करने का निशान है यहाँ पर। संख्याएं हैं 3, 3, 3, तो यहाँ जोड़ रखा है। अब इसी संख्या को अगर आप 3×3 में लिखेंगे तो भी हमें 9 ही मिलेगा। तो यही अवधारणा हम समझते हुए इस पूरी वर्कशीट में सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर है 4 कीज़, 4 कीज़, 4 कीज़, 4 चाबी हैं, सबको ऐड करना है। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 4 = 8 और 4 = 12। इसी तरह से आपको संख्या लिख देनी है 4, 4, 4, जो कि 12 ही होगा। अब 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1, 2, 3 बार दे रखा है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 ही आएगा। इसी तरह से लॉक्स दे रखे हैं, ताले दे रखे हैं आपको 5, 5, 5, 5, तो यहाँ टोटल हो जाएंगे 20। अब इसे लिख दीजिए इस तरह से, जो कि हो जाएगा 20। अब 5 को आप 4 बार लिख देंगे तो भी आएगा आपका 20 ही, ठीक है। सेकेंड है गुना सारणी में 10, 20, 30 के पहाड़ों को पूरा करिए। तो यहाँ 10×1 कितना हो जाएगा, 10, 10×2 = 20, 10×3 = 30, ठीक है। इसी तरह से गुना के रूप में लिखिए, तो आपको 4×5 लिखना है, तो 4×5 लिख रखा है और 4×5 कर दिया है 7। 3×7 लिखना है तो 3×7 लिखा है, अब 3×7 कर देंगे। 5×3 लिखना है तो यहाँ 3+3+3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3+3+3+3+3, ठीक है, 5×3। तो यहाँ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। इसी प्रकार 2 लिखने हैं 7 बार, तो 2+2+2+2+2+2+2, तो यहाँ हो जाएगा 7×2। 2×9 लिखने हैं तो 9+9, 2×9 कर देंगे, तो हम जोड़ने पर भी वही संख्या मिलेगी जो कि गुणा करने पर। तो ये थी आपकी प्रारंभिक अवधारणा को समझते हुए वर्कशीट। अब देखेंगे कार्यपत्र 42 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पत्तियों में लिखी संख्या को जोड़कर बीच में लिखिए व रंग भरिए। तो यहाँ पर पत्तियों को लिख करके, पत्तियों को जोड़कर संख्या है जो हमें काउंट करना है और बीच में लिखना है। जैसे 6 को 6 बार लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ लिख रखा है 36, तो यहाँ 9 है, 4 बार है, तो 4×9 कितने हो गए, 36। 12×3 बार है, तो 12×3 कितना हो गया, 36। इसी तरह से यहाँ पर 4 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4×6=24। 6×4 बार है, तो यहाँ 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यहाँ हो जाएगा 24। 8×3 बार है, तो 8×3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 24। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 है, 6 बार, तो 6×8 कर देंगे 48। 12×4 बार है, 4×12 कर देंगे 48। और 16×3 बार है, तो 3×16 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 48। तो ये था कक्षा 4 व 5 के विषय गणित का गृह कार्य। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।